कुड़ी मैया वही बहुत गर्म है। तो भाई स्वागत है आज के धमाकेदार वीडियो में। ये देखो भाई ऑक्टोपस, भाई कितनी बार मैंने देखा है, आज तक नहीं खाया, बस देखते रहा। लेकिन आज मैं फर्स्ट टाइम खाऊंगा भाई ऑक्टोपस, और इसको बनाएंगे अपने सागर भाई, उनके अंदाज में बनाएंगे। उधर देखो बहुत सारे अपने पास, सागर भाई कितने अपने पास टोटल? 12 ऑक्टोपस है भाई। ये देखो ऐसे 12 ऑक्टोपस है, पेट भर के ऑक्टोपस खाएंगे मस्त दबा के। तो सब साफ करने का काम चल रहा है, उधर देखो साफ सफाई चल रही है, साफ करके इधर डाल रहे अपने सागर भाई, और ये भी साफ करने के बाकी है। चलो सब साफ करके फिर रेसिपी इसका स्टार्ट करते है। वीडियो बहुत यूनिक होने वाला है, बहुत जबरदस्त होने वाला है, एंड तक बने रहो, मजा आने वाला है। अभी मस्त पूरा क्लीन कर देता हूँ ताकि इसके पेट के अंदर अगर गंदा नहीं निकलेगा तो फूड पॉइजन होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है ऑक्टोपस में। इसके लिए अच्छे से साफ करना जरूरी है। इसके लिए तो कांदा भाई ने बोला, सागर भाई तुम ही करो। तो ये देखो भाई अच्छे से साफ करने का प्रोसेस हो गया है, एकदम क्लीन। देखो भाई इस तरह से माखली जो है अपनी, मतलब ऑक्टोपस अच्छे से साफ हो गया है। 12 के 12 ऑक्टोपस भाई साफ करके ले लिए है। 13 है भाई, गिनती 13 हो गए, 13 है, क्या बात है भाई, 13 है। तो ये देखो भाई अभी मैरिनेशन करना स्टार्ट कर देते है, और गर्मी बहुत है भाई यार, आज मुंबई में गर्मी बहुत है भाई। ये देखो अभी नमक स्वाद अनुसार, ये हल्दी पाउडर, इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। सब एकजुट होना चाहिए, कम से कम 5 मिनट इसको मिक्स ही करना पड़ेगा भाई, क्योंकि सब मसाले एक दूसरे को चिपकने चाहिए अच्छे से, मतलब हल्द नमक ये सब अच्छे से चिपकना चाहिए भाई। तो चलो भाई इसको रख देते हैं आधे घंटे के लिए अभी मैरिनेट होने के लिए भाई, क्योंकि जितना भी अपन मांस रहता है ना उसको अगर मैरिनेशन के लिए रख देते ना तो एकदम सॉफ्ट बनता है पकने के टाइम। कांदा और मिर्ची डाल देते हैं पहले। डाल दिया थोड़ा सा नमक ताकि फटाफट कांदा टमाटर गल जाए। अदरक लहसुन पेस्ट, चलो भाई अपने घर के सीक्रेट मसाले। कांदा भाई पानी डाल दो, ये आ गया पानी। तो भाई मस्त कुकली आ गया। कांदा भाई डाल दो ऑक्टोपस, डाल दो भाई अभी ऑक्टोपस डालने का टाइम आ गया है। सागर भाई ने सारे मसाले वसाले सब रेडी हो गया है। ये देखो भाई ऑक्टोपस गए एकदम जबरदस्त मसाले में डुबो के रखे हुए, ये भाई जबरदस्त। और भाई ये ऑक्टोपस का अभी कलर देख लो आप कैसा है, और जब ये पक्के हो जाएगा ना रेडी तब उसका कलर देखना भाई कैसा है। अभी ये सफेद सफेद दिख रहा है ना, देखना भाई पकने के बाद कलर कैसा दिखेगा आपको। तो चलो इसको अभी ढक के 1 घंटा पका लेंगे, उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। अभी आराम से थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा 1 घंटे तक। और ये एकदम बड़ा वाला साइज है भाई, जबरदस्त। ओहो फाइनली बड़े सफर के बाद बन गया है, उठा के लेना बहुत मुश्किल है भाई। ये देखो इसके अंदर अपना छुपा है माल। ये देखो भाई ऑक्टोपस, वाह भाई वाह, बड़े सबर के बाद फाइनली बन गया। अभी इसको प्लेट में मस्त निकाल लेते हैं और फटाफट खाने बैठ जाते हैं भाई, अभी सबर नहीं हो रहा। पूरी मैया वही बहुत गर्म है। ओहो भाई पहले तो 2 ही लूंगा, एकदम गर्म है भाई, और मेरे को अंदाजा नहीं है इसको खाते कैसे, क्या फर्स्ट टाइम ही खा रहा हूँ, तो चलो 2 ही लेते। तो चलो भाई फाइनल टेस्ट करते, ले लिया अपन ने भाई, देखो ये जबरदस्त। ओहो एकदम पक गए, ये देखो अपने आप इसका स्किन भी निकल रहा है भाई, इतना एकदम जबरदस्त प्रॉपर पक चुका है। चलो अभी सबर नहीं हो रहा भाई, फटाफट टेस्ट करते। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ मैं खुद। सबसे पहले तो ग्रेवी के साथ खाऊंगा, इसका ग्रेवी के साथ टेस्ट देखता हूँ कैसा है। भाई ग्रेवी तो मस्त है, मतलब फिश की जैसी ग्रेवी बनती है ना वैसी ही ग्रेवी बनी है भाई। वाह 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 जबरदस्त भाई,
और ये ग्रेवी के साथ परफेक्ट मैच भी हो गया, और अपना खाना भी है ना व्यू के साथ मैच हो गया भाई। व्यू देखा क्या जबरदस्त व्यू है भाई, सनसेट का टाइम हो गया है, जबरदस्त व्यू में अपन ऑक्टोपस खा रहे हैं भाई। और क्या चाहिए भाई, राइस के साथ तो परफेक्ट मैच कर लिया है। अभी राइस और ऑक्टोपस का टेस्ट करते हैं भाई। ये ले लिया राइस और ऑक्टोपस भाई, एकदम बड़ा। टेस्ट तो लाजवाब है भाई, जबरदस्त टेस्ट है। और ये देखो, ये ऑक्टोपस स्पेशली किस मेहमान के लिए रखे हैं पता है आपको? देखो स्पेशली मेहमान बुलाए ऑक्टोपस खाने के लिए। हाय, तो भाई स्पेशली उनके लिए बुलाया है ऑक्टोपस खाने के लिए, उनको ऑक्टोपस खाना था तो उसी में बुला दिया है। एकदम जबरदस्त बन भी गया भाई, परफेक्ट सक्सेसफुल बन गया भाई, मजा आ गया यार। जबरदस्त। तो भाई इसका भी एक बिग बाइट बनता है भाई, बिग बाइट जरूरी है क्योंकि टेस्ट उस हिसाब से है भाई, इसलिए बिग बाइट जरूरी है भाई। यार ये तो गोल नहीं हो रहा यार, ये देखो, लेकिन कोई बात नहीं, बड़ा बाइट बना लेंगे। भाई बहुत जबरदस्त बना यार, कुछ भी बोलो भाई। ये देखो अभी इजिली पक्के हाथ में है भाई, ये देखो इजिली हाथ में आ जाएगा, इतना पका है जबरदस्त एकदम। अपन ने ज्यादा पकाया इसको क्योंकि अपन फर्स्ट टाइम खा रहे, तो भाई पक्के खाना है। मतलब समझ लो फिश और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क है, बाकी टेस्ट भाई यूनिक है इसका। तो चलो भाई इसको बैठ के आराम से खाता हूँ, वीडियो हो जाएगा बहुत बड़ा। बाकी इनका भी टेस्टिंग दिखाना आपको, वो भी फर्स्ट टाइम खा रहे हैं, उनको कैसा लगता है वो भी दिखाऊंगा आपको। तो निकिता जी बताओ आपको कैसा लगा ऑक्टोपस? बहुत टेस्टी। ये देखो भाई निकिता जी भी बस खा रहे एकदम जबरदस्त। ओ भाई साहब एक ही बाइट में, वाह, मैंने भी नहीं खाया अभी। तो भाई मेरा तो खाना हो गया, मैं अभी खा रहा हूँ ये आलू बड़ी, ऐसे कुछ तो मांगा ये भाई। मतलब कुछ ना कुछ हमारा खाना चलता ही रहता है भाई, दिन में 4-5 बार खाना तो हो ही जाता है। बाकी ये सब भी खा रहे बैठ के आराम से, आपको सबका रिव्यू दे दिया भाई, जबरदस्त टेस्ट बना है भाई, मजेदार। तो बस गाइस यही था आज का धमाकेदार और एकदम इंटरेस्टिंग सा नया वीडियो, जो मैंने फर्स्ट टाइम खाया ऑक्टोपस, मजा आ गया भाई। आप भी कभी खाओ मजा आ जाएगा। तो बस गाइस यही था वीडियो, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अपने फेसबुक पेज पे नए हो तो फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि मैं इसी बेहतरीन बेहतरीन नए नए वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए वो भी कमेंट में बताना मत भूलना, और ये वीडियो में आपको क्या लगा अच्छा एकदम जबरदस्त वाला वो कमेंट करना भाई। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कांदा, जय हिंद जय महाराष्ट्र।